तो देवता नहीं है घर के अंदर या भूत है। अगर देवता होते तो भूत घर के अंदर नहीं आता, क्योंकि हमने उस पूजन सामग्री को आर्टिफिशियल जरूर बना दिया है उस जगह को, स्थान को, लेकिन उसमें स्थापित नहीं किया है, क्योंकि माया का इतना बड़ा पर्दा है। अब साधना के पीछे भी आपका उचित ही रहेगा, मुझे सिद्ध बनना है, लोग मुझे पूजें, लोग मेरे चरणों में गिरें, लोग मेरे बात का लोहा माने, मैं युग पुरुष बनूं, मैं संत बनूं। अच्छा, ये सब फल है। और भगवान ने क्या कहा, फल को नहीं देखना अर्जुन, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। कि दौड़ सके तो दौड़ ले, और जब तक तेरी दौड़ और दौड़ थकी और धोखा मिटिया, बस तू ठोड़ की ठोड़। आपको लगेगा मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, 20 साल लगा दिए। सवालों की सीरीज से पहले मैं कुछ दर्शकों की मन की बात बताना चाहता हूँ। कुछ दर्शकों का कहना है कि उनके घर में, जैसे आपने कुल देवी के बारे में, पूजा के बारे में, विधि के बारे में बताया था, कुछ मेरे भाइयों को, माताओं को ऐसा महसूस हो रहा है घर में ऐसी, जैसे आपने चिड़ी का संकेत बताया था, तो उनके अलग कलर की, नई कलर की चिड़ी घर में प्रवेश की, और किसी माता के घर पर तितलियों का वास हुआ, तितलियाँ दिखाई दी, तो उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अच्छे कार्य हो रहे हैं हमारे घर में। और किसी भाई को पुराना जैसे कोई काम था या पैसा रुका वो भी मिला, उनको ऐसा कहना है कि कुल देवी हमारे घर पर आई। लेकिन उसी बीच में कुछ भाइयों को और एक ये भी कहना है, हमारी कुल देवी को कैसे मजबूत करें, कैसे ताकतवर करें, अगर हमारे घर में पितृ को कैसे मजबूत करें। साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि पितृ दोष क्या है और पितृ दोष कैसे दूर होगा, इसके बारे में थोड़ा गुरुजी से जानकारी लें। देखो, पहले तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ जिन्होंने कुल देवी को अपने घर में बुलाया, क्योंकि वो है उनकी देवी, लेकिन हमने कुछ वर्षों से, कुछ समय तक उनको याद नहीं किया, वो रुष्ट हो जाती है, उनको मनाइए। और पितृदेवता भी इसी तरह मान जाते हैं, अपने सेवा पूजा करने से सब देवता मानते हैं, और जब वो घर के हैं उनको, उन पे तो उनका तो हक बनता है आप पे नाराज होने का, क्योंकि घर के अंदर कोई मेंबर रहे, उसको खाने पीने का आप नहीं पूछो, समय समय पर याद नहीं करो, तो उनको मतलब हक है, बनता है उसको नाराज होने का, तो आप उनको किस तरह मना सकते हैं। और रही बात दोष की, दोष किसको बोलते हैं, आप ही के सवालों में आप मतलब जवाब है, दोष ये बोलोगे आपने सालों साल उनको याद नहीं किया, ये उनका दोष है, आपका दोष है, कुलदेवी का दोष को यही बोला जाता है। दोष एक्चुअल में है किसका, आपका, वास्तविकता में दोष है आपका, क्योंकि आपने उनको याद नहीं किया, वो दोष हो जाएगा आप पर, यही देवता को दोष होता है। आप बोलते हैं ना किसी को हनुमान जी का, तो क्योंकि हमने कोई कृत्य ऐसा कर दिया या हमने उनको याद नहीं किया, तो हम पे दोष बनता है। और यही बात पितरों पर लागू होती है, क्यों हमारी वजह से वो अपनी गति को रोक के बैठे हैं, ठीक है ना, प्रेम के वश होकर, और उनको हम समय बद्ध याद नहीं करें तो फिर हमें दोष बन जाता है। अब इनको रही बात बलवान करने की या उनको प्रसन्न करने की, उनसे ज़्यादा कृपा पाने प्राप्त करने की, तो उनका शरीर ऊर्जामय शरीर होता है, देवताओं का शरीर हमारी तरह नहीं होता, तीन तत्वों में शरीर होता है उनका, कोई भी पितरों का होता है, जो देवता होता है, तीन तत्वों के अंदर होता है, उनकी शक्ति है ऊर्जा शक्ति। यहाँ भी से थोड़ा घूमेगा, ऊर्जा शक्ति का अर्थ क्या होता है कि वो एक ऊर्जा के रूप में है, और सही देखे तो पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के हिसाब से चलता है, नेगेटिव और पॉजिटिव दो ही इसका विज्ञान जानता है, इस विषय को नकारात्मकता जिसको हम प्रेतवादा जो भी बात है, नकारात्मकता और अच्छी शक्तियाँ जहाँ परमात्मा का वास होता है, वो सकारात्मक एनर्जी जो होती ऊर्जा उसी को बोलते हैं। अब इसमें विषय थोड़ा घूमेगा, इसलिए कि इनको बलवान कैसे कहें, जब देवताओं और मनुष्य का जन्म हुआ था दोनों का, तो एक दूसरे के पूरक हुए थे। किस तरह पूरक, देवता अपने आप कुछ नहीं खा सकते, ध्यान रखना, अपने आप अपना एनर्जी नहीं बढ़ा सकते, कोई चीज़ नहीं बढ़ा सकते हम अगर, तो असुर ने किस तरह, आपको समझने के विषय, असुर क्या करते थे, जब उनको देवताओं को परेशान करना होता तो वो क्या करते, ब्राह्मणों को, यज्ञों को विध्वंस करते, क्यों कि देवताओं को ताकत किससे मिलती है, यज्ञ करने से, समझे आप, हवन आदि यज्ञ करने से देवता बलिष्ठ होते हैं। और असुरों को यह पता हो गया था कि यज्ञ नहीं करेंगे, हवन आदि नहीं करेंगे, तो देवता को बल क्षीण होगा और उन पर कब्जा किया जा सकता है, उनकी कृपा मनुष्य पर रोक की जा सकती है। तो देखो सवाल में उत्तर मिल गया ना, आपको यज्ञ करने से देवता बलवान होते हैं। हम कोई भी हवन वगैरह करते हैं तो क्या होता है, हम एक आहुति बोलते हैं, ओम पितृ देवताय नमः स्वाहा। अब जिसको पितृ मजबूत करना है, तो इसमें एक विषय और घूमेगा, देखो बातों बातों में इस विषय घूमते थे, धर्म विषय ऐसा है कि गौ माता, एक शब्द आता है गौ माता, कितना विचित्र है, आपने भी इसमें एक सवाल किया था कि गौ माता के बारे में, तो गौ माता को कुछ दो शब्दों में नहीं, उसको देव माता भी कहा गया, जो समुद्रों के अंदर मंथन में रत्न निकले थे उन्हें गौ माता भी इसी कामधेनु कहा थी, उनके वंशज गाय एक ही होता है सारा वंश, तो गौवंश को क्या बोला है, गौ माता बोला है, और 33 करोड़ देवी देवता उसके अंदर विराजमान है उनके, देखें अंग अंग में गौ माता के देवी देवता, इसलिए क्यों दिखाए थे,
कोई नहीं ये बता सकता, कुछ लोग जानते होंगे देखो विद्वान ज्ञानी, कि देवताओं को गाय के अंदर स्थापित करने का क्यों कारण था। ये बात इससे आ गया तो मतलब गुड़ गुड़ ऐसे सोते निकलेंगे इसके अंदर, कि सारे देवता जो बलिष्ठ होते हैं वो गाय से बलिष्ठ होते हैं। अब वो गाय का दूध नहीं पीते तो वो गाय के शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, गौ माता के दूध से घी से जो घी बनता है उससे हवन होता है, दीपक जलता है, उससे जो दीपक से एनर्जी बनती है उससे देवता बलिष्ठ होते हैं। ये देवता की आयु है, ये देवताओं को बलवान करने का तरीका है। इसलिए हम क्या करें, मंत्र जप करने का अर्थ होता है कि हम देवता का आह्वान करते हैं, हवन करते करने का अर्थ होता है कि देवता को हम बलिष्ठ करते हैं ताकि वो हमें दर्शन दे ऊर्जा के माध्यम से। ज़्यादा हवन करते हैं तो देवता ऊर्जा के मात्रा में अग्नि के रूप में हमें दर्शन देना शुरू करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें दर्शन नहीं होते, खाली मंत्र जब से कभी दर्शन नहीं होते। मंत्र जब आह्वान होता है, मैं घर पे आपको एक न्योता भिजवाऊंगा आपको आना तो आप आएंगे। मेन क्या होगा, जब आप खाना खाएंगे, खाना खाने के बदले जो आशीर्वाद मिलेगा उसी को वरदान बोला हमें, समझे बात है मेरी। तो फिर क्या करते हैं, सभी देवों की माता कौन है, गौ माता, तो कोई छोटा विषय नहीं। और उसकी हमसे रक्षा क्यों करते हैं बताइए, क्यों करते हैं, क्या उसी उसकी रक्षा गौ माता की नहीं करेंगे हम तो देवता हम पे कुपित होंगे, क्योंकि गौ माता के दूध से घी बनता है और घी देवताओं का हवन करने से दीपक जलाने से, गौ भी कितने धर्म अनुष्ठान होते हैं सब जगह गौ माता का दूध घी लगता है, गौ घृत से जो दीपक करते हैं और हवन करते हैं उससे देवता बलिष्ठ होते हैं। और देवताओं के मेन मूल तत्व क्या होता है, गौ माता। तो हिंदू धर्म में क्या बोला है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, देवता खुद हवन थोड़ी करवा सकते हैं। मनुष्य जब हवन करता है उससे देवता प्रसन्न होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और उसके बदले में उसे वरदान मिलते हैं। पहली सिद्धि है, लोग बोलते हैं सिद्धियां नहीं होती तो मैं इनके बार बार कहना चाहता हूं, लेकिन करने मत बैठ जाना, इसके भी पीछे लॉजिक है। हजारों आदमी मंत्र लेके बैठे हैं, आपको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। जिस देवता का हवन करेंगे वो बलिष्ठ होगा। आप पितृ देवता का हवन बोल रहे थे, ओम पितृ देवताय नमः स्वाहा, ये करने से पितृ बलिष्ठ हो गए। आप जितना करोगे, सिर्फ घी से आहुति देनी है उसकी, गौ माता के घी से जितना दोगे आपके बलवान होंगे, आपके अंदर उसकी मतलब सवारी आने लगेगी, आपकी सारे कृत्य होने लगेंगे। जो पितर जितना बलिष्ठ होगा उतना ज़्यादा उसके घर के काम होंगे। आप कुल देवी को ऐसे ओम कुल देवताय नमः स्वाहा उसका नाम लेके स्वाहा कर सकते हैं। जिस देवता को हम हवन साधना में यही करते हैं तो आप उनको बलवान कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। साथ बात गौ माता कितनी विशेष बात आई है, अब इसी वजह से हमें हिंदुओं को गाय की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को तो है, हम दूध पीते हैं, हम दही खाते हैं, हम घी खाते हैं, वही देवता घी जो उनको लगता है। हम ऋषियों ने क्या हवन को छोटे पद्धति में शुरू करने से दीपक जलाया। देवता को आयु क्या होती है, जब हम तस्वीर देखते हैं उसके पीछे एक ओरा होता है ऊर्जा का, वो देवता को आयु होती है। अब बड़े बड़े शास्त्रों पढ़ते हैं ना, ब्रह्मा भी की उम्र है, विष्णु की भी उम्र है और सभी देवता की उम्र है, उसके बाद वो भी नहीं रहते। लेकिन उनकी उम्र बढ़ती कैसे, जब कोई साधना करने वाला साधक उसके निमित्त हवन करता है तो उसकी आयु बढ़ती है, और जितनी आयु बढ़ेगी वो उसको बलवान पूरक इसलिए बने हैं। हम हवन करेंगे बदले में वो हमें आशीष देंगे, वो पैसे लक्ष्मी माता पैसे रख के क्या करेगी, उनको क्या पैसे की जरूरत है, लेकिन हमें उनसे लेने आए नहीं। हमने कृत्य ऐसे किए कि हम बोल रहे हैं कि वो महामारी आ रही है, हमने गौ माता को नहीं काटा सनातन धर्म में, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन आप देखिए हमने रक्षा भी तो नहीं की ना। गीता में भगवान क्या बोला था कि पापी वो नहीं है जो देखने वाला, वो भी आदमी पापी है। विरोध करने को आपने विरोध किया नहीं किया, ठीक है ना। धर्म जब भी धर्म हमारे लोक देवताओं में हजारों जगह पे ऐसे देवता मिलेंगे कि जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। एक गाय को मिटाने बचाने के लिए, ऐसे मुझे उदाहरण पता है, एक ही गाय को बचाने के लिए 10-10 मनुष्य ने अपनी आहुति दे दी। ऐसे ऐसे समाज मिलेंगे जहाँ एक वृक्ष को बचाने के लिए उन्होंने आहुति दे दी प्राणों की। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कटती है कोई बात नहीं, हम क्या करें, हम तो भाई श्रद्धा से गौ माता को, हमारे घर के अंदर गौ माता की तस्वीर लगी है। अंत में यही होगा आप लोगों के साथ कि घर में गाय की तस्वीर जरूर रहेगी तो देवता कहाँ रहेंगे। तो सृष्टि में आप देवताओं को खोज रहे हैं, मंत्र सिद्ध से कभी नहीं होता, कोई नहीं है, ये लोगों का आडंबर फैला रखा है मंत्र का, कुछ नहीं होगा। आपने मनुष्य के कृत्य पूरे नहीं किए साधना इसलिए सिद्ध नहीं होती। आपने वो आपके अंदर वो लक्षण नहीं है, आप किसी भी साधना को कर लीजिए, मेरे पास लिए कि इसने साधना सिद्ध कर लिए, अब जो साधना सिद्ध करेगा वो आप लोगों के बीच में नहीं भटकेगा, उसको सब कुछ मिल रहा है। और इतना भगवान का आडंबर फैला रखा कि चैनलों के माध्यम से आप बोल रहे हो साधना, एक दिन बोल रहे थे आप महाराज जी के चैनलों से हमें मतलब सिद्धियां ट्रांसफर कर रहे हैं लोग। अब कितनी ये देवता को ऐसा विषय हो गया कि देवता को जैसे बेचा जा रहा है, साधना करनी है 21 रुपये लूंगा तेरे को माला सिद्ध कर दूंगा, 5000 रुपये लूंगा तेरे को देवता सिद्ध कर दूंगा, तेरे को भैरव सिद्ध कर दूंगा। जानते हो क्या भैरव है,
कभी भूत से पाला पड़ा है, उन लोगों को उनको पूछिए कि भूत में क्या ताकत होती है, पर फिर देवता को सिद्धियां करने के बात करना कि देवता के अंदर क्या चीज़ है। आपने वो मनुष्य के सारे कृत्य को देखते हैं, जब आप परिवार से माँ बाप से सारे कृत्य निभा के, हम लोग क्या करते हैं, मंजिल को महत्व देते हैं, और परमात्मा क्या महत्व देता है, सफर को, कि इसने सफर कैसा किया है उसको महत्व परमात्मा देता है, कि अपने जीवन में तुमने किया क्या था। और हम लोग क्या करें कि बस हम पहले जैसे थे कोई बात नहीं, अब तो हमें इतने मंत्र करने हैं, हमें सिद्धि करनी है, और हम सिद्धि कर लेंगे तो हम लोगों में हमारा संत क्यों माया कर उलझन में फंसे। मैंने बोला था संत इसलिए फंसे हैं कि संत बोलते हैं सिद्धियां करते ही तुरंत लोग हमारे पास चले आएंगे और बस गुरु जी को ठाट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, गुरु जी को हिलना ही नहीं है, सारे काम हो जाए। जब आप इतनी निकृष्ट हो चुके हो, आप शिष्यों के बिना रह नहीं सकते, आप छोटे मोटे अपने कृत्य नहीं कर सकते, आप त्यागी कैसे हुए, किस तरह आपने त्याग किया, क्या होता है वैराग्य, क्या होता है संन्यास, किसको बोलते हैं, आप घर वालों को छोड़ के यहाँ बहुत बड़ा कुनबा खड़ा कर लिया आपने, आपने जहाँ लाखों कमाने थे वहाँ करोड़ों की संपत्ति भी बैठ गई, और फिर बोलो हम सन किस तरह हैं, मुझे बताइए। संत का अर्थ होता है लोगों को जोड़ना, ना कि धर्म के आधार पर तोड़ना। जोड़ने का अर्थ क्या, वो पशु पक्षियों से जीवों को जोड़ेगा आपको, बस जुड़ना है, बस आपका भला है आप आगे कीजिए, आपका भला है आप आगे कीजिए, ना कि आपको एक दूसरे के विरोध खड़ा कर दे, मैंने इस पे तंत्र कर दिया, उसने आप पे तंत्र कर दिया, कर करके सत्यानाश कर दिया दुनिया का सारा। और मैं विषय को बहुत बड़ा बढ़ाऊंगा नहीं, ये बहुत बड़ा विषय हो जाएगा, आप आगे सवाल कर सकते हैं। हम अगला सवाल लेते हैं। गुरु जी, एक छोटा सा भी आपने जैसे इसमें कहा था, अभी घी के बारे में बात चली थी, होम कुंड के बारे में बात चली थी, यज्ञ के बारे में बात चली थी, लेकिन आज के टाइम में मैं देखा हूँ ज़्यादातर किसी भी घरों में दुकानों में चल अगरबत्ती करते हैं, हालांकि अगरबत्ती बांस वाली, वो भी डंडी, बांस वाली डंडी करते हैं जैसे मैं देखा हूँ, उसका क्या तात्पर्य, कौन सी अगरबत्ती करनी चाहिए, कौन सी धूप या कौन सा दीपक करने से क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है, वो भी साथ में हमारे दर्शकों को जानकारी मिले। देखिए हिंदू धर्म में ये बांस जो जलता है, ये हमारे कब अंतिम संस्कार करते हैं उस वक्त एक चीज़ काम में ले जाती है, तब देवताओं को ये नहीं जलाना चाहिए। आप धूप कर सकते हैं जो गो के गोबर से वगैरह ये हवन आदि सामग्रियों से बना हुआ, और अच्छा यही रहेगा आप कुछ मत करिए, सिर्फ एक दीपक करिए। देखो आप कितनी चीज़ें देवताओं से मांगते हो, जब तक मुझे पता है हर कोई यही सोचता है मंदिर में जाके घंटी बजाएगा और करोड़ों रुपए की डिमांड करेगा, सो समस्या है उसके, तो आपको उतना तो थोड़ा विश्वास रखना चाहिए कि जिनको आप हजार रुपए का मानते हो, ये सोचते हो ये कुछ भी दे सकता है, उसके सामने एक 10 मिनट जो घी का दीपक जले वो नहीं जगह जला सकते, तो आप क्या किस मुँह से आप मांगोगे। आपको ये घी का दीपक करने का सूक्ष्म ऋषियों ने क्या किया, बड़ा जो इंसान था हवन करता था, अब हर घर इंसान में हवन कर नहीं सकता, सक्षम नहीं है, तो सेम ही विधि होती है कि घी के साथ अग्नि जलेगी तो एक फ्लेम बनेगी, जो ओरा ऊर्जा बनेगी वो आपको लगानी है, तो हवन नहीं करके दीपक जलाते तो उसमें सेम ही विद्या होती है, धीरे धीरे घी जलता रहता है उसके अंदर एक ओरा निकलता है। और एक मैं सभी को कहना चाहूँगा, हम क्या करते हैं देवताओं को समर्पित नहीं करते, और देवता कितने मतलब शिष्टाचारी है, जब तक उनके सामने दीपक रख देंगे और हमने ये नहीं ये जरूर बोल दिया करो हर कि ये महाराज ये दीपक आपके लिए किया है, ये बोलना आपको, वो इतने शिष्टाचारी हैं कि सामने भोजन रखेगा और जब तक आप नहीं बोलेंगे, इसलिए शास्त्रों में मुद्राएं हैं, पता चलता है कि इस मुद्रा से भोजन लेना है, इस मुद्रा से विसर्जन करना है, तो आपको बस ये बोलना है कि महाराज जो शिव हो हे शंकर भगवान ये दीपक आपके लिए है, ये दीपक के लिए, वही दीपक देवता दीपक उठाते हैं। अब जैसे गुरु जी एक छोटा सा मेरे किसी दर्शक ने कल कॉल किया था, मुझे याद आ गया, आपने कहा ना ये दीपक देवता के लिए, तो जैसे मंदिर में बहुत सारी तस्वीरें होती है, तो जैसे आप चरण पादुका भी रखिए, अब बताइए उनको कितने दीपक करने पड़ेंगे, ये कौन सा दीपक कहाँ रखें और किसका नाम लेके रखें, ये सस्पेंस उनके बीच में आएगा। देखो बहुत सारी तस्वीर रखेगी वहाँ बहुत ज़्यादा दोष मिलेगा, आप वास्तु दिखाएंगे तो भी दोष निकाल देगा, क्योंकि हर देवता के शरीर के अंदर एक मुद्रा के अंदर बैठे रहते हैं और उनकी पॉजिटिविटी हर चीज़ को देखना पड़ता है, आप तो तमस की मूर्तियाँ उनके साथ सात्विक नहीं रख सकते, सोचना पड़ता है हर चीज़ को आपको, तो आप ज़्यादा देखो ज़्यादा तस्वीर रखने से कोई, मैंने क्या बोला था, तीन चीज़ को देखना आपको, अपने पितर है तो उनको रखिए घर के अंदर, लेकिन कुल देवी एक, और अपने इष्ट देवता, ठीक है ना, और सामान्य स्त्रियाँ घर पे लड्डू गोपाल वगैरह पूछती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है आप घर के अंदर इतने ही लोगों को बोला है जितनी का आप भोजन का बना सकते हो, ये इसलिए कहें क्या होता है लोगों के घर में स्थान भी होता है, देवता का स्थान भी है और उसी घर में भूत भी बढ़े हुए, भूत भी लोगों के अंदर पड़ चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है, या तो देवता नहीं है घर के अंदर या भूत है, अगर देवता होते तो भूत घर के अंदर नहीं आता, क्योंकि हमने उस पूजन सामग्री आर्टिफिशियल जरूर बना दिया है उस जगह को स्थान को, लेकिन उसमें स्थापित नहीं किया है, वो कब होगा जब जितने आपने दीपक जलाएं
या जितनी तस्वीर रखी उनकी, या तो आपकी श्रद्धा है कि मेरे पास ये पांच देवताओं की तस्वीर होनी चाहिए, तो पांचों के पांच दीपक होने चाहिए, शास्त्रों का विज्ञान है। आप मैंने बोला ना, सब देवता शिष्टाचार का अर्थ क्या है कि वो मनुष्य की तरह पांच दस जने भोजन साथ में नहीं करते, और मैंने बोला दीपक उनकी एनर्जी है, उनका भोजन है, उनका पूरा मतलब जो है एनर्जी, वो आपको एक एक देवता को अलग अलग करना पड़ता है। आपकी अगर समता एक की है तो एक ही तस्वीर लगाइए, तीन दीपक जलाए तो तीन की तस्वीर लगाए, नहीं तो यही दोष होता है। अब आपने कुलदेव की तस्वीर लगा दी, दीपक कर दिया लड्डू गोपाल के, अगर उनको बोला नहीं तो वो अपना अपमान समझते हैं। किसी ने आपको ये तो नहीं बोला कि आप घर के अंदर 10 तस्वीरें लगा दीजिए, नहीं आपने लगाइए। तो ये अर्थ यही होता है कि आप जितने लोगों को बुला रहे हैं उतने का भोजन आपके घर होना चाहिए, नहीं तो एक को बुलाए तो एक का भोजन होना चाहिए। जितने मतलब घर में पांच पांच दीपक करने चाहिए मंदिर में, जिनके पास दीपक का निविदान नहीं है, आपको आपकी श्रद्धा के अनुसार जितनी तस्वीर रखते हो उतने दीपक करो, तभी रखो, नहीं तो वो देवता आपके घर पे रुष्ट होंगे और आपको कुपित भी कर, आपको उसको हर्जाना भुगतान पड़ेगा। ये शास्त्रों का विज्ञान है। इसका क्या हल है, क्या उपाय करना चाहिए जो माताएं बहनें देख रही है? जैसे मैंने कल वीडियो भी, जैसे मैं घर के मंदिर के फोटो मंगवाता हूँ, आप सभी से मंगवाता हूँ, तो देखा हूँ कि वहाँ पर गिनती नहीं गिन पाता, इतने देवता होते हैं, जैसे गणेश जी, हनुमान जी है, शिव जी है, सभी देवता हैं। तो फिर वो तरसते रहते हैं कृपा को, यही समस्या होती है सबके सामने। मैंने क्या बोला ना, मैंने कथा सुनी थी उस दिन, बोला था कि एक कुआ खोदना है, उसके अंदर पानी निकलेगा, आप 10-10 फुट के 100 कुएं खोद लोगे पानी नहीं निकलेगा। आपको ऐसा क्या काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, ऐसा क्या काम है जो राम जी नहीं कर सकते, ऐसा क्या काम है जो एक ही देवता सब कर सकते हैं? आपके इष्ट को समझना होता है, आप इष्ट को पूजो। अब हनुमान जी ने जीवन भर राम जी की आराधना की, उपासना की, भक्ति की, और उन्होंने दूसरे को नाम लिया, जबकि वो शिव के पास भी जाते थे, वो सबके पास जाते, शिव के अवतार भी थे उस वक्त, वो सभी देवी देवता मिल सकते थे, वो तो वायुगमन सब साक्षात देव थे, लेकिन फिर राम के अलावा उन्होंने छोड़ा नहीं, क्योंकि इष्ट एक को प्राप्त करेगा वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, और जो भटकता रहेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु जी, जैसे कि अब जो मैं सवाल ले रहा हूँ और सभी भाइयों की बता देता हूँ, साधु संतों का सवाल है, क्योंकि हमारे चैनल को ज़्यादातर साधु संत भी देखने लगे हैं, जो साधना कर रहे हैं उन्हें वो भी देखने लगे, तो उनका एक सवाल हमें लेना चाहिए आज, तो मैंने आज उनका सवाल एक विशेष तौर पर रखा है गुरु जी के चरणों में। गुरु जी, जैसे कि कुछ साधु संत हैं जो सवाल करना चाहते हैं कि कितने भी समय हो गया अपने साधना करते हुए, उनको साधना सिद्ध नहीं हो रही, या इतनी तपस्या कर रहे हैं, क्यों उनकी साधना सिद्ध नहीं हो रही, क्यों उनको भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, क्या कौन सी कमी रह गई, कौन से तरीके से साधना करें तब जाके सिद्ध होगी या सफल होगी? देखिए, पहले तो मैं जो भी साधक या साधु हैं जो इस तरह का सवाल करते हैं, पहले तो मैं इनको नमन करता हूँ कि मैं हो सकता है सक्षम नहीं हूँ संतों के सवाल जवाब देने में, मेरी उम्र और उनकी हो सकता है उनसे तपस्या में बहुत फ़र्क आए, लेकिन हो सकता है उन्होंने मेरे ज्ञान के विषय में पूछने के लिए हो सकता है सवाल कर दिया होगा, लेकिन अगर हो सकता है मुझसे गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ पहले भी। और जहाँ तक मेरी सोच है, मैं आप जो गुरुओं से सुना मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि साधक जो साधना करता है, कुछ 10 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, इनके पीछे एक शब्द होता है सत्य, एक शब्द है सत्य, इसको समझना आपको। सत्य क्या है? जो बोलते हैं वो सत्य है, ठीक है ना, वो नहीं, वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा क्या है? इस सत्य को कहा है लोक हितार्थ, जो लोगों के हित के लिए करे उसको साधना सिद्ध होती है। हम क्या करते हैं, कुछ लोग, कुछ उन्होंने 70-80% या ज़्यादा से ज़्यादा कहूँगा, पहले वो साधना सिद्ध करना चाहते हैं, पहले सिद्ध बनना चाहते हैं, और उनकी नज़र 24 घंटे फल पर रहती है कि देवता आएंगे, वरदान देंगे, हम सिद्ध होंगे, हम ये करेंगे, उसके बाद उनकी इच्छा कहाँ रहती है, हो सकता है फिर समाज का भला करेंगे। देवताओं ने सारी शक्तियाँ, आपने देखा सारे के सारे मंत्र जो आगम के ग्रंथ थे एक तो, और निगम के ग्रंथ को, और आगम दोनों तरह के ग्रंथों को, काफ़ी जगह मंत्रों को कीलित कर दिया शिव ने, और भी विद्याएं काफ़ी कीलित है, गायत्री जैसे मंत्र कीलित है। कीलित का अर्थ क्यों है तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कीलित का अर्थ है कि निकृष्ट आदमी या लोभ के बस इंसान के हाथ में ये चीज़ें नहीं लगनी चाहिए। देखो, आप किसी इंसान को तो बेवकूफ़ बना सकते हो, परमात्मा को नहीं, वो आपको अंतर को जानता है कि आपने किस लालच के बस आकर ये सिद्धि करनी चाहेगी। मैं जानता नहीं, लेकिन अंतर में ये जो मुझे ज्ञान प्राप्त है उससे बताता हूँ कि 30% लोग जो ग्रस्त के अंदर वो साधना करते हैं, 30% उसमें, देखो ये मतलब आप अपने पे नहीं ले, सोचिए बात को थोड़ा सा, उन्होंने क्या हुआ, छोटी मोटी घटना घटने के बाद या छोटी मोटी चीज़ प्राप्त करने के लिए, पैसों की प्राप्ति के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए उन्होंने साधनाओं का सहारा लेना शुरू कर दिया, भक्ति का सहारा नहीं लिया ध्यान है कि उन्होंने,
भक्ति से जो चीज़ें ग्रस्त में पाई जा सकती है वो साधना उसे नहीं पाई जा सकती। तो उन्होंने सारा लिया, वो साधक हैं जो साधना कर रहे हैं, वही जो सवाल करते हैं कि हमें साधना सिद्ध क्यों नहीं होती, क्योंकि आपकी साधना के पीछे लोक हित नहीं है, परमार्थ नहीं है। परमात्मा परमार्थ का नाम है जो दूसरों के लिए करे। एक ये बात को इस तरह समझिए आप, जितने भी असुरों ने साधना की, ठीक है ना, पहली बात उनको सिद्ध हुई नहीं, और जो सिद्ध हुई परमात्मा ने सबसे उसकी परीक्षा ली, फिर भी बाद भी क्योंकि देवता तो किसी तरह मान लो सिद्ध कर लिया उन्होंने, हर तरीके से सिद्ध करने के बाद देवता ने उनका नाश भी किया, और हर देवता हर राक्षस की यही प्रवृत्ति थी, क्यों कि मुझे तो अमर होना है, और देवताओं ने किया क्या, नहीं, उनका सत्यानाश किया, क्योंकि माया का इतना बड़ा पर्दा है। अब साधना के पीछे भी आपका उचित ही रहेगा, मुझे सिद्ध बनना है, लोग मुझे पूजें, लोग मेरे चरणों में गिरें, लोग मेरे बात का लोहा माने, मैं युग पुरुष बनूं, मैं संत बनूं, अच्छा ये सब फल हैं। और भगवान ने क्या कहा, फल को नहीं देखना अर्जुन, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है। आपको फल को देखना नहीं है, जो परमार्थ के लिए आता है वो क्या कहता है, हे भगवान सबका भला करें। अब सबका भला में वो अपना नाम ही भूल जाएगा, क्यों भूलेगा, अब परमात्मा समझता सबके अंदर उस खुद आ गया साथ में। और उनको जब मार्कंडेय जी ऋषि ने, मार्कंडेय जी जब महामृत्युंजय मंत्र की आराधना कर रहे थे, तब उन्होंने शिव को थोड़ी बोला था कि मुझे अमर कर दीजिए, नहीं, ये तो महादेव जानते थे कि इसके वर्ड इसके मनुष्य से या इस ऋषि से या इस संतान से या इस जो बालक है इससे लोक हित जुड़ा है, इसलिए उसको अमर कर दिया। समझे बात को, कि आपके अगर साधनाओं में लोक हित होगा तो ही साधना सिद्ध होगी, वरना आप जिंदगी भर लग जाएगी, आप हर तंत्र मंत्र का सार लेना, आपकी उम्र बीत जाएगी, और आपको सिर्फ लगता है कपड़े बनाने से या दिखावा करने से या बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने से, या लगता कुछ भी आडंबर कर लीजिए दुनिया का, आप सिर्फ थकोगे। संत कहते थे कि दौड़ सके तो दौड़ ले, और जब तक तेरी दौड़ थकी और धोखा मिटिया, वस्तु ठोड़ की ठोड़। आपको लगेगा मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं, 20 साल लगा दिए, 30 साल लगा लिए, मुझे परमात्मा का अनुभव ही नहीं, क्योंकि आपने लोग हित को जोड़ा नहीं, आपने पहले स्वार्थ को जोड़ा, मैं सिद्ध बनूंगा, ये इसी वजह से साधना सिद्ध नहीं होती आपने। और दूसरा, हर स्थिति में आप हर मंत्र को उठा लेते हैं, आपको ये पता होना चाहिए किस मंत्र का क्या वर्चस्व है, किस गुरु ने क्या मंत्र सिद्ध किया, उससे क्या मांगा जा सकता है, और उसने गुरु ने जो सिद्धि की वही दे सकता है। तो आगे आप हर किसी से उठा लेते हैं, आप इतनी किताबें हैं, इतने ज्ञानी हैं, आप ये सोचिए जो किताबें लिख रहे हैं क्या वो सिद्ध थे, कहना ही बिल्कुल नहीं थे, उन्होंने तो बस एक रॉयल्टी के लिए पुस्तक लिख दी। आप भी लिख सकते हो, 100 बातें मेरी सुनिए, आप लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं सिद्ध हूँ क्या, आप सिद्ध हो क्या, नहीं। गुरु ज्ञान में मंत्र क्यों देता है, आजकल तो मंत्र आप सुनें रेडियो में बजते हैं, मंत्र कान के अंदर दिया जाता है, और लोग तो खुलेआम के मंत्र दिया जाता है, मंत्र ले जा कोई बात है, मंत्र तो इसलिए, मंत्र की दुकान खुली है, देवताओं की दुकान खुली है, मंत्र लेने की दुकान में, दीक्षा लेने की दुकान में पैसे लेंगे दीक्षा देंगे, ये क्या है। शिष्य बनने का अर्थ होता है सबको गति लगाना। हम लोग डरते हैं शिष्य बनने से, क्यों डरते हैं, अगर मेरे एक संतान होगी तो मैं उसको पाल सकता हूँ, और ये शास्त्रों के अंदर वर्णित है जितने गुरु ने शिष्य बनाए अगर उसको गति नहीं लगे तो गुरु को उनके चक्कर में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। तो ज्ञानी गुरु का तो क्या शिष्य बनाएगा, आपको दीक्षा देगा, वो दीक्षा नहीं देगा, आपको ज्ञान देगा मेरी तरह, कि प्रस्ताव बता देगा कि नहीं मेरे चरणों में, अगर चरणों में आ गए तो आप जब तक गति नहीं लगोगे मेरी गति भी नहीं होगी, ध्यान रखना। इसीलिए अगर जो समझदार गुरु है वो एकांत, इन्होंने जो इसी वजह से तो संतों ने किनारा कर लिया समाज से, समाज से दूर होने लगे, कि उनको पता है कि 80-90% जनता आएगी वो लोभ लालच के बसाएगी। गुरु के पास है क्या, गुरु के पास ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को भी वो माया से जोड़ना चाहते हैं, गुरुदेव ऐसा कुछ दे दीजिए बस दुनिया के ऊपर राज करूं, गुरुदेव ऐसा कुछ दे दीजिए, ये नहीं मांगा, गुरुदेव ऐसा कुछ दे दीजिए इस जन्म से छुटकारा मिले, मोक्ष प्राप्त हो, ईश्वर के अंदर अपनी आत्मा लीन हो जाए, आपके चरणों में मैं लीन हो जाऊं, ऐसा मांगता तो परमात्मा ही प्रश्न होता, परमात्मा को मांगा नहीं जाएगा, वो स्वतः आएगा। ऐसे संत हैं जिन्होंने एक माला भी नहीं की उनको दर्शन हुए, ऐसे भी संत हैं जो अपने कृत्य कर रहे, रविदास जी से हरिदास जी मोची थे ना, तो उनको बोलते ना कठौती में गंगा, सब सुनते हैं मन चंगा, तो कुछ भी कृत्य कर रहे थे, वो चप्पले बनाते जूते बनाते, उनके कठौती के अंदर गंगा दर्शन हो, क्योंकि भावनाएं होती है, वो नहीं है। आप जब तक सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो ना, आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको एक सरल पुरुष बनना होगा जो समाज से जुड़ता है, आपकी वजह से समाज का हित होना चाहिए, आपके अंदर लोगों के कल्याण करने की कामना होनी चाहिए, ये कामनाएं पहले बनानी होती है। अब लोग क्या करते हैं, अगर मैं किसी को बोलूंगा कि गुरुदेव मंत्र दे दीजिए मैं लोगों का कल्याण करना चाहता हूं, तो पहले ये बोले कल्याण करना चाहता हूं, ताकि पहले मंत्र सिद्ध हो, जबकि ये नहीं होता, ये चाहते क्या है कि पहले
इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और परमात्मा का ये नहीं लगता, परमात्मा कहता है दान करने के लिए क्या है कि अगर 2 रुपए हैं तो 2 रुपए का जो दान कर सकता है वो 100 का ही कर सकता है, और जिसके अंदर 2 की कला नहीं है उसके पास करोड़ों आ जाए वो 2 रुपए की रोटी भी कुत्ते को नहीं डाल सकता। ये कला होती है, इसके अंदर परमात्मा के गुण होते हैं इसके अंदर। इसीलिए लोगों को भ्रांतियों से, संत होने से क्या होता है, बड़ा संत होने से क्या बड़ा हो गया, नहीं हो गया, सिर्फ दिखावा बड़ा है। ज्ञान का अर्थ क्या, आप समझिए परमात्मा ने बुद्धि दी है उसको परखिए, इस ज्ञान सरल के अंदर भी हो सकता है, उसके शब्दों को समझिए, ज्ञान के अर्थ को समझिए कि इसके पीछे अर्थ क्या है, समझाने का अर्थ क्या है, बोलने का अर्थ क्या है, यही जानना है। ना कि बार बार हम, मैं कोई संतों का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं समझा रहा हूं आपको कि आपको करना क्या है। आप हर किसी संत को, मान लो मैंने जटाएं बटा लिया, आप मेरे पास आके महाराज जी पर, आपको हर किसी का किसी क्यों झुकाना है, क्यों झुकाना है? आपको देखना है कि मनुष्य बनाया भगवान ने, सब जीवों को बुद्धि दी, मनुष्य को बुद्धि दी है, सोचने की कला दी है, मंथन करने के लिए दिया है, सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मैंने छोटी अपने जीवन की वृत्तांत बताया था, कुछ भी नहीं पता था मुझे। आज आप सुन रहे हो तो कुछ तो मुझे पता होगा, तो आप भी वही, आप उनमें से हो जो मुझे कुछ नहीं पता, और जब आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी और आपके अंदर पिपासा बढ़ेगी तो वो स्वयं देने आएगा। दोस्तों जैसे गुरुजी से मैंने आज के टॉपिक लिया, वो किस प्रकार का लगा जो आपका सवाल लिया हूँ, हालांकि कुछ सवाल मैं और लेने वाला हूँ, लेकिन आपको यहाँ तक किस प्रकार का लग रहा है कमेंट दर्ज हो बताना। अगर आप चैनल पर नए आए हो, आप सवाल ऐसे कर रहे हो, कुछ भाई बहन देख रहे हो कमेंट कर रहे हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा एक बार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर जैसे आइकन आ रहा है वहाँ पर आप प्ले लिस्ट जाके देखिए, आपको हो सकता है वहाँ पर आपका सवाल का आंसर मिलेगा और गुरुजी के बारे में ज्यादा जानकारी उस वीडियो के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले पाओगे। कम से कम मैंने 20 वीडियो बनाए ऐसे जो हो सकता है आपके जीवन से जुड़े हो, आपकी समस्या का हल वही है। मैं यह बता देता हूं, आप सोच रहे हो मेरी समस्या का अंत कैसे होगा, अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते 1 घंटा, फिर आप किस प्रकार की समस्या का अंत चाहते हो। दोस्तों हमारे दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जो बताना। अगर अभी तक आपने जनता की आवाज़ को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कीजिए, और अगर आप सक्षम हो जनता की आवाज़ को सपोर्ट करना चाहते हो कर सकते हो, तो प्लीज जनता की आवाज़ को सपोर्ट कीजिए, जनता की आवाज़ को सपोर्ट कीजिए, जनता की आवाज़ को सपोर्ट कीजिए, जनता की